बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 10 ऑफ मैथ्स फॉर क्लास प्री 9। यूनिट 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। हमने बेटा थ्योरी प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल और नॉट। तो उन्हें बताने के पॉलीनोमियल है या नहीं। पॉलीनोमियल के लिए आपको पता है वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव भी हो और इंटीजर में हो। फर्स्ट देखें 3x प्लस 1/x, तो ये पॉलीनोमियल नहीं है क्योंकि ये 1/ आ गया, तो x को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो सो इट्स नॉट अ पॉलीनोमियल। सेकेंड देखें x² माइनस 3x प्लस रूट 2, वेरिएबल रूट में आ सकता है लेकिन x नहीं आ सकता, तो इसमें देखें x की जो पावर है वो पॉजिटिव है, सो इट्स अ पॉलीनोमियल। तो बाकी जो है वो आपने होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट पेज करें 82, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल इज अ रैशनल और नॉट। हमने बताना है कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। रैशनल के लिए दोनों पॉलीनोमियल होना चाहिए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। फर्स्ट देखें 3x root over 3x root plus 5, ये दोनों पॉलीनोमियल नहीं है, तो सो इट्स अ नॉट रैशनल, तो नो आ जाएगा। सेकंड देखें x³ माइनस 2x² प्लस रूट 3, तो ये पॉलीनोमियल है। डिनोमिनेटर में देखें 2 प्लस 3x माइनस x², ये दोनों रैशनल हैं, दोनों जो हैं वो पॉलीनोमियल हैं, सो इट्स अ रैशनल। क्वेश्चन नंबर 3, अब रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोस्ट में, इनको हमने रिड्यूस करना है। 120x² y³ z5/30x³y1 है पावर और z है 2, तो 30 और 120 कैंसिल होंगे, 4 आ जाएगा। अब x² है, x को 2 टाइम लिख लेंगे, y³ है, y³ है तो 3 टाइम और z5 है तो 5 टाइम, ओवर x³ 3 टाइम आ जाएगा, y1 टाइम और z2 टाइम, कैंसिलेशन हो गए और कैंसिलेशन के बाद ऊपर आ जाएगा 4, y2 रहेगा और z3, y² z³ और नीचे रह जाएगा x, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट देखें, 8a(x+1)/2(x²-1), सिंप्लीफाई करते हैं 8a(x+1) एज इट इज (2x²-1)। देखिए x²-1 इसको हम लिख सकते हैं x²-1², तो फार्मूला बनेगा a²-b², तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, x+1 और x-1 आ गया। अब कैंसिलेशन हुई, 2 और 4 8 कैंसिल हुए, 4 आ गया, 4a न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है x-1। नंबर 4, x³-y³(x²-2xy+y²)/x-y)(2x²+xy+y²), इसको एक्सपेंड करते हैं, a³-b³ फार्मूला मेमोराइज करें, a³-b³ इक्वल होता है a²(a²+ab+b²), तो x³-y³ हो जाएगा x-y(x²+xy+y²), और ये एज इट इज आ जाएगा x²-2xy+y², डिनोमिनेटर में भी एज इट इज x-y(x²+xy+y²), कैंसिलेशन हुई तो हमारे पास रहेगा x²-2xy+y², इसको क्लोज करते हैं, तो फार्मूला है ये, मीन के a²-2ab+b², तो a-b² तो ये x²-2xy+y², तो x-y² इज द आंसर। नंबर 6, x²-4x+4/2x²-8, ऊपर फॉर्मूला बनाएंगे a²-2ab+b², तो वो हो जाएगा a-b² तो x² और 4 को लिख दिया 2², फिर -2 a की जगह पर x और b की जगह पर 2, तो x²-2(x)(2+2² ओवर डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिया x²-4, तो ऊपर आ जाएगा x²-2xy+y² x-2² नीचे डिनोमिनेटर में देखें 2, x² और 4 को लिख सकते हैं 2², ये हो गया a²-b², तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस,
अच्छा x माइनस टू होल स्क्वेयर को लिख सकते हैं x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, कैंसिल हुआ तो कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा x माइनस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू। नेक्स्ट बेटा सेवन, सेवंथ पार्ट, 64 एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 64 एक्स ओवर 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 एक्स प्लस 2, तो न्यूमिरेटर से कॉमन आ जाएगा 64x, तो ये रहेगा x पावर 4 रह जाएगा माइनस 64x कॉमन आएगा तो 1 रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर में से 8 कॉमन आ रहा है तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर और 8 कॉमन आया तो 1, और सेकंड फैक्टर से 2 कॉमन आ रहा है 2 इंटू एक्स प्लस 1, कैंसिलेशन कर लीजिए आ जाएगा 4x ऊपर न्यूमिरेटर में बचेगा। और x4 माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फार्मूला बनाना, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, फार्मूला ओपन कर दिया ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये अगेन फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस 1। तो लेक्चर कंप्लीट हो गया, होमवर्क बेटा आपका है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd 5th और 8th। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं ये क्वेश्चन भी और जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं बेटा आपने रजिस्टर में लिखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।